कहानी बुढ़िया की सरदारी। मेरे एक दोस्त के दादी जी सुरगवास हो गए सन अते मैं उन्होंने भोग उत्ते जाना सी। लेकिन उस दिन मैं कोई जरूरी काम सी, इसलिए मैं एक दिन पहला ही अफसोस करने उन्होंने घर जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरी पत्नी ने जानकारी दी कि अज तो वार यानी शनिचरवार है और वार को किसी के घर अफसोस कर जाने उत्ते बुरा मनाया जाता है। पहला तो मैं सोचा कि गुरबाणी का पाठ हो रहा है, इसलिए दिनों का वहम किसने करना है। फिर भी मैं घरवाली की गल नूं हल्के विच लैना ठीक नहीं समझा अते अपने दोस्त नूं फोन करके पूछ ही लिया कि कल भोग वाले दिन असी किते जरूरी काम जाना है, इसलिए असी अज तुहाडे घर आना चाहते हाँ। अज शनिचरवार है, कोई वहम वाली गल तो नहीं? उसने कहा कि मैनू तो इस बारे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं घरों पुछ के दस दिना। थोड़ी देर बाद उसका फोन आया कि बंदियां नूं तो कोई इतराज नहीं, लेकिन बुढ़िया वहम कर दियां, इसलिए तुसी फिर कभी आ जाना। पंजाब विच बुढ़िया के अलग ही कायदे कानूनों की यह एक छोटी जी मिसाल है। मालवा के पिंडां विच माता या बजुर्ग औरत नूं बुढ़ी या बुढ़ी कहा जाता है, जबकि माझे विच घर वाली नूं बुढ़ी कहा जाता है। लेकिन आम पेंडू पंजाबी बोली विच घर दियां सारियां वड्डियां औरतां लई बुढ़िया शब्द काफ़ी प्रचलित है। भावें पढ़े लिखे माहौल में बजुर्गों लिए यह शब्द थोड़ा निरादर वाला लगता है। इस विच कोई शक नहीं कि साढ़े घर परिवारों में औरतों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होंगे। उन्होंने जिन्ना भी मान सम्मान आदर सत्कार किया जाए वह घट है, लेकिन साडा देश पुरुष प्रधान देश रहा है और किसी काम विच औरतों की राय घट ही ली जाती सी। हालांकि अजक ज़्यादातर पढ़े लिखे परिवारों में हर काम विच औरतों की रजामंदी नाल ही होंगे है, बल्कि अक्सर औरत के कहण मुताबक ही किया जाता है। घरेलू औरतां घर की सुरक्षा लई कुछ ज़्यादा ही फिक्रमंद होंदियां हन, इसलिए किसी नुकसान के डर कारण सारे वहम भरम बाबे साध देवी देवते ज्योतिषी पाखंडी आदि सब का सहारा लैंदियां। डर कारण वह किसी गल नूं नहीं विचारदियां अते बस उन्हां दे चक्कर विचों बाहर आउण तों डरदियां रहिंदियां हन। इस तों अलावा अलग अलग मौकियां जिवें विआह शादी मरकत भोग आदि उत्ते किसी नूं कुछ लैणा देणा, कार विहार करना, मकाना ते जाना, कीरने पाउणा, समा अते दिनां दा विचार आदि बहुत गल्लां हन जिथे उन्हां दा राज चलदा है। इसे तरह उन्हां दे घरां विच कुछ अलग ही रीति रिवाज अते कायदे कानून बना रखे हुंदे हन, जिन्हां नूं परिवारक शांति लई बाकी मैंबरां नूं मन्नणा ही पैंदा है। पिंडां विच बंदियां कोलों इह गल अक्सर सुणन नूं मिलदी है कि की करिए यार, बुढ़िया नहीं मानदियां। इस विच कोई शक नहीं कि औरतों के घर विच अनुशासन कारण अक्सर बंदा कई माड़े कम्मां तों बच जाता है। जेकर कोई ज़्यादा नशा करन वाला बंदा औरत दे डरन कारण नशा नहीं पींदा जां घट पींदा है, वह घर बर्बादी तों बच जाता है। कई बंदे जिहड़े घर दियां औरतां दी परवाह करदे हन, वह ज़्यादा शराब नशे जां होर बुरी आदत कारण घर बर्बाद कर लैंदे हन। हालांकि कई बार औरत की सोच सिर्फ अपने पति अते बच्चों तक सीमित हो जाती है, तो संयुक्त परिवारों में कलेश भी पैदा हो जाते हैं। कोई बंदा किन्ना भी दलेर क्यों ना होवे, बुढ़िया के डर नूं नज़रअंदाज नहीं कर सकता, जिसके फायदे अते नुकसान दोनों हैं। किसी वेले इन्हां पुराने रीति रिवाज वहम भरम अते होर पुरानियां गल्लां की कोई अहमियत या वजह रही होगी, लेकिन हुण इन्हां नूं बिना किसी तर्क या विचार दे सिर्फ डर या रूढ़ीवादी कारण ही पालन किया जा रहा है। दुख सुख खुशी गमी जन्म मौत लैण देण दाज दहेज दिन त्यौहार आदि अजिहे मौके हैं जदों बजुर्गों नूं पुराने कायदे कानून छड्डणे बहुत औखे लगते हैं अते कहा जाता है कि यह तो इस तरह ही हुंदा है। यह क्यों हुंदा है जां जेकर इस तरह ना किया तो की नुकसान होगा, उसका उन्हां वल्लों कोई जवाब नहीं दिता जाता। मन्निया वड्डी उम्र दा जिंदगी दा तजुर्बा हुंदा है, लेकिन जो असी कीता उही सही सी, यह सोचना गलत है। दुनिया विच बहुत कुछ समय नाल चंगा होया है जिहड़ा कुछ नवां सोचण दा ही नतीजा है। जदों बुजुर्ग जवान हुंदे सी उदों उन्हां ने भी बहुत कुछ नवां कीता हुंदा है। चंगीआं गल्लां आउण वाली पीढ़ी नाल सांझीआं करनीआं चाहीदीआं हन, लेकिन इन्हां नूं नवां सोचण दी खुल वी होणी चाहीदी है। सुखजीत सिंह निर्वाण, धन्नवाद जी। Subscribe now.
and press the bell icon. Never miss an update.